good morning, dear students. i am dr. prabhjot kaur, assistant professor home science, gurunana girls college, yamuna today i am going to discuss with you one of the macronutrients required by our body, which is lipids. this topic, lipids, has been included in the curriculum of bsc home science semester 2 students. Uh, course name is Fundamentals of Nutrition and course code is 206 of MDU. It is also an important part of BSc Home Science Semester 2 students of Krukshetra University, Krukshetra. Subject name Basic Nutrition and course code for the same is 115. This topic is also in the syllabus of BA Home Science Semester 5 Foods and Nutrition. सब्जेक्ट नेम एंड कोर्स कोड थ्री जीरो वन ऑफ के यू के तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में लिपिड्स यानी कि वसा जो कि बी एस सी होम साइंस सेमेस्टर टू स्टूडेंट्स के कोर्स का हिस्सा है तथा बी ए होम साइंस सेमेस्टर फाइव के कोर्स का भी कंटेंट है सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और दिस वीडियो लेक्चर आफ्टर Attending and listening or understanding this video lecture, you all will be able to enumerate the important sources of food lipids, describe the basic composition of food lipids, state the composition and sources of lipids in nature, classify lipids into various groups on the basis of their structure and properties, know their daily requirement, describe the role of lipids in foods and nutrition, and critically analyze the implications of. एक्सेसिव फैट इनटेक एंड चेंजिंग लाइफ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सबको जो जानकारी प्राप्त होगी वो इस प्रकार से है इसमें से आपको वसा के मुख्य स्रोतों के भोज स्रोतों के बारे में जानकारी मिलेगी इसके अलावा आपको वसा की बेसिक जो संरचना है जो उसका मूल रासायनिक संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाई जाएगी इन एडिशन टू दिस आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो वसा हैं वो कुदरत में किस प्रकार से पाए जाते हैं तथा उनके क्या स्रोत हैं इन एडिशन टू दिस यू विल बी एबल टू नो कि जो लिपिड्स हैं उनको हमने उनकी संरचना के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है हमें प्रतिदिन वसा की कितनी प्रस्तावित मात्रा की आवश्यकता है तथा वसा का आहार एवं पोषण में क्या योगदान है या उनकी क्या भूमिका है इन एडिशन टू दिस हम ये भी जान पाएंगे कि वसा की अधिकता से हमें क्या नुकसान हो सकता है या उसकी कमी से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज़ लिपिड्स जब हम लिपिड्स की डेफिनेशन की या इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स टू माइंड दैट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स लिपिड्स आर ऑल्सो कम्पाउंड ऑफ carbon hydrogen and oxygen however the ratio varies because in carbohydrates and proteins the ratio is different while in lipids the ratio of carbon hydrogen and oxygen is approximately 77 12 and 11 which is different from carbohydrates and proteins Carbose or protein kithara wasavi कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं लेकिन इनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से भिन्न है इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स आर द अदर बेसिक फ्यूल सोर्स एंड आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज दे गिव नाइन पॉइंट टू किलो कैलोरीज पर ग्राम एंड दे आर कंसीडर्ड द हैविंग ट्वाइस द कैलोरिक वैल्यू एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जब हम बात करते हैं वसा की तो हम ये भी जानते हैं कि वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारे शरीर के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड मात्रा में हमें ऊर्जा की प्राप्ति करवाते हैं क्योंकि वसा लगभग दुगनी कैलोरीज़ किलो कैलोरीज़ देता है प्रति ग्राम की ऑक्सीकरण के बाद जबकि कार्बोज और प्रोटीन हमें चार पॉइंट एक किलो कैलोरी प्राप्त करवाते हैं और वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरीज की प्राप्ति होती है ऑफ आफ्टर इन टेकिंग वन ग्राम ऑफ फैट हम 9.2 किलो कैलोरीज की एनर्जी जो है यूज़ कर सकते हैं हमें उपलब्ध हो जाती है लिपिड्स रिप्रेजेंट हाइड्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन दैट वेरी इन दिस स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन अगर हम बात करें इनके स्रोतों की या इसके उद्गम की तो जो वसा है वो एक आ, दो तरह के कंपाउंड्स या मिक्सचर्स का आ, ग्रुप है जो कि हमें पौधों से यानी कि वनस्पति जगत से और पशुजन्य जगत से मिलता है और दोनों के अंदर संरचना और जो कॉम्पोजिशन है उनके जो कॉन्सिक्वेंस है वो वेरी करते हैं दीज इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स लाइक ऑयल्स फैट्स वैक्सीस सेक्स हॉर्मोन्स कोलेस्ट्रोल एट्सट्रा इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जैसे कि तेल या फैट और वैक्स मोम हॉर्मोन्स और कोलेस्ट्रोल जो लिपिड से ही बने हुए हैं और ये इनके बहुत सारे प्रकारों का हिस्सा हैं जिनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे सो लेट्सार्ट विद फूड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स फर्स्ट ऑफ़ डिस्कस अबाउट एनिमल सोर्सेज ऑफ लिपिड द नेचुरल फूड्स दट कॉन्ट्रीब्यूट टू दर्जेस्ट अमाउंट ऑफ लिपिड्स और फैट्स आर एनिमल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज़्यादा जो फैट की प्राप्ति है वो हमें पशु जन्य पदार्थों से होती है जिसमें मुख्य उदाहरण है मीट्स मिल्क एग एंड एट्सेट्रा मांस दूध एवं अंडे इत्यादि एनिमल्स ऑल्सो स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यूज़ फ्राम विच इट कैन बी एक्सप्रेक्टेड एनिमल्स की बॉडी में स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट लेयर जो होती है सबक्यूटेनियस फैट लेयर जो एडिपोज टिश्यू के रूप में होती है जो भी एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में होता है वो पहले तो आ, हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है उसके बाद जो बचा हुआ फैट है वो हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू के रूप में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हम मोटापे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बॉडीज़ में एनिमल फैट को स्टोर किया जाता है और हम उन फैट सोर्सेज को यूज़ करके बहुत सारे तेल या घी वाले पदार्थ उसमें से बनाते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉड लिवर ऑयल कोड मछली है एक जिसके यकृत में कॉड लिवर ऑयल है जिसमें वाइटमिन डी के कैप्स्यूल्स बनते हैं तो वाइटमिन डी जो है वो कॉड लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है तो कॉड लीवर जो है दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स लार्ड जो है वो पिग की बॉडी में जो फैट की स्टोरेज है उसको लार्ड बोला जाता है टेलो इज द फैट विच इज़ स्टोर्ड इन बीफ और मटन जो गाय के मांस में या भेड़ और बकरी के मांस में होता है उस फैट को टैलो बोला जाता है जबकि सुअर के मांस को सूअर के फैटी पार्ट को लाड के नाम से जाना जाता है चिकन फैट जो हैन और कोक में स्टोर्ड होता है और बटर एंड घी दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द एडिपोस्ट टिश्यूज ऑफ वेरियस एनिमल्स नाउ लेट्स मूव टू द प्लांट्स सोर्सेज ऑफ लिपिड्स अब हम जानेंगे लिपिड्स के वनस्पति स्रोतों के बारे में मोस्ट ऑफ़ द सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वेरी लिटिल फैट तो आप बिंदास इनको खा सकते हैं बहुत सारे अनाज फल एवं सब्जियों में बहुत कम मात्रा में वसा पाई जाती है सम प्लांट्स हाउ एवर स्टोर फैट्स इन दर सीड्स जो कि तिलहन और मेवे हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बीजों में वसा स्टोर की जाती है जो दो भोज भुझ, एक भोजे समूह बना सकते हैं तिलहन एवं ड्राई फ्रूट्स या मेवे द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स आर द सीड्स ऑफ एनुअल प्लांट्स लाइक सोयाबीन कॉटन सीड पीनट लिनसीड सनफ्लावर सनफ्लार मस्टर्ड एंड रिप सीड इसमें जो मुख्य ऑयल के स्रोत हैं जो हम एनुअल प्लांट्स यानी कि जो साल में एक बार फसल देते हैं उनसे वेजिटेबल ऑयल्स निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें से मुख्य स्रोत हैं सोयाबीन का तेल बिनोला यानी कि कॉटन सीड ऑयल मूंगफली का तेल ग्राउंडनट ऑयल या पीनट ऑयल लिंसीड यानी अलसी का तेल सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल सेफ्लार यानी कि कुसुम के फ्लावर का तेल मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और सफ़ेद फूलों वाली मस्टर्ड जिसको हम रेप सीड बोलते हैं उसका ऑयल मुख्य रूप से इस्तेमाल में लाया जाता है अदर सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स आर द ऑयल बियरिंग फ्रूट्स एंड नट्स ऑफ ट्रीज सच एज कोकोनट पाम ऑयल पाम एंड ऑलिव कुछ ऐसे पौधे भी हैं और वेजिटेबल ऑयल जो उनसे वनस्पति तेल जिनसे निकाले जा सकते हैं जिनके फ्रूट्स में या उनके नट्स में आ, इसको स्टोर किया जाता है जैसे कि कोकोनट में कोकोनट ऑयल नारियल का तेल पामोलिन ऑयल ऑयल पाम में जो स्टोर किया जाता है और ऑलिव ऑयल ओल यानी कि जैतून का तेल जो कि एक नट्स और फ्रूट्स हैं पौधों के इनमें भी ऑयल उनसे भी ऑयल हमें प्राप्त होता है सो दीज वर द एनिमल्स एंड प्लांट प्लांट्स ऑफ लिपिड्स नाउ लेट्स डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिपिड्स आर प्रेजेंट इन अस स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम इस बारे में चर्चा करें मैं आपसे एक बात बड़े साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहूँगी हम अक्सर इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि हम अपनी डाइट में बहुत कम फ़ैट लेते हैं मैंने तो सिर्फ दो या तीन चम्मच या छः चम्मच फ़ैट यूज़ किया है परंतु ऐसे बहुत सारे भोजन हैं जिनके अंदर ऑलरेडी निहित फैट होता है निहित वसा होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती परंतु वो उनमें प्रेजेंट होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मूँगफली के दानों को किसी कागज़ में लपेट कर रख देते हैं तो हम ये देखते हैं कि कागज़ के दोनों तरफ घी के या चिकनाई के निशान पड़ जाते हैं इसी प्रकार कभी कभी हम कुकर में बिना घी की कोई सब्जी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप घिया बनाते हैं बिना घी डाले उसको बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी एक चमकीली लेयर आपको दिखने लगती है ये जो फ़ैट्स हैं बेटा इनको बोलते हैं नॉन विजिबल या इनविजिबल फैट्स तो बेसिकली फ़ैट दो तरह का होता है एक लुप्त वसा जो दिखाई नहीं देती और एक वो वसा जो सामने दिखाई देती है सो विजिबल फैट्स आर कॉल्ड बिकॉज दीज आर द फैट्स दैट कैन बी सीन वायर्स ये हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं आफ्टर दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट और एनिमल सोर्स जैसे कि जो फैट हम एक्चुअली खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं या तलने के लिए यूज़ करते हैं इसमें किसी भी प्रकार का तेल बटर मक्खन घी इत्यादि कुछ भी हो सकता है तो ये तो है हमारे विजिबल फैट जो हमने देख के डाला है दूसरी कैटेगरी या दूसरी श्रेणी है इन विजिबल फैट्स की विच आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेसिक फूड्स विच आर प्रेजेंट इन मिल्क चीज़ मीट एटसेट्रा एंड आर कंज्यूम्ड विदाउट बींग सेपरेटेड जब आप दो दिन तक दूध को उबालते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर थोड़े थोड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नज़र आते हैं ग्लास के ऊपरी इस तह के ऊपर चिकनाई के रूप में सो मिल्क के अंदर जो नेचुरल फ़ैट है वो आप उससे अलग नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसको किसी प्रोसेसिंग में डालें इसी प्रकार चीज़ है या मांस है उनके अंदर जो एक फ़ैट है जो एनिमल की बॉडी में स्टोर्ड फैट है जब आप फैट को पकाते हो तो जो घी हम डालते हैं उससे ज़्यादा घी हमें देखने को मिलता है क्योंकि उसके अंदर का इनविजिबल फैट भी मेल्ट होकर बाहर दिखाई देने लगता है सो दिस इज़ वन कैटेगरी जो फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है विजिबल फ़ैट एंड इनविजिबल फैट इसके बारे में हम दोबारा से चर्चा करेंगे वैन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्डिएज ऑफ़ फैट्स एंड लिपिड्स लेट्स मूव टू अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विच इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो उनकी केमिकल संरचना पे आधारित है इसके द्वारा हम फैट्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फर्स्ट कैटेगरी सिंपल लिपिड्स यानी कि सरल लिपिड सेकेंड कैटेगरीज कॉम्प्लेक्स लिपिड यानी कि यौगिक लिपिड्स और थर्ड कैटेगरीज डिराइव लिपिड्स जो इन दोनों के द्वारा मिलकर इनमें से बनाए गए हैं इनमें से उद्गम हुए हैं डिराइव लिपिट्स सो लेट्स डिस्कस दैम वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट सिंपल लिपिड दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल्स सिंपल लिपिड जो हैं वो फैटी एसिड्स और एल्कोहल को मिलाकर बनने वाले यौगिक हैं ऑयल्स और फैट्स इनका कॉमन एग्जाम्पल है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल के एस्टर्स होते हैं जिनमें से एक स्पेसिफिक फ्रूटी स्मेल आती है दीज एस्टर्स आर कॉल्ड ट्राई ग्लिसराइड्स और ट्राई साइल ग्लिस्टरोल्स बिकॉज ये हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हम इनमें तीन मॉलिक्यूल्स मुख्य रूप से ग्लिस्टरोल के होते हैं उनके साथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं इस वजह से हम इनको ट्राई ग्लिस्टराइड्स बोलते हैं जब आप लोग लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं डॉक्टर से या पैथोलॉजी लैब से तो वो आपकी ट्राई ग्लिस्टराइड्स को कैलकुलेट करके बताते हैं

जो साधारण तापमान पर रूम टेम्परेचर पर थोड़े सॉलिड रहते हैं जैसे कोकोनट ऑयल हालांकि वो ऑयल है बट इट हैज सेचुरेटिड फैट्स तो जितनी भी संतृप्त वसा है वो सारी फैट की कैटेगरी में आती है और ये अधिकतर एनिमल्स में पाई जाती है दीज आर जनरली द ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसाइड्स विच हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर संतृप्त वसा होती है संतृप्त होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड पाए जाते हैं इनको फैट्स बोला जाता है ऑन द अदर हैंड द ट्राइग्लिसराइड्स विच आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल्स ये प्राइमारी प्लांट्स से ओरिजिनेट होते हैं हॉवर द ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम फ़िश और ऑल्सो लार्जली ऑयल्स जैसे मैंने आपको कोकोनट की एक एग्जाम्पल दी विच इज फ्रॉम प्लांट्स बट इट हैज़ सेचूरेटेड फैट सिमिलरली जो फिश लिवर के जो ऑयल्स हैं दे आर लिक्विड लिक्विड हालांकि वो uh, ऑयल्स की कैटेगरी में आएंगे लेकिन वो जो है प्राइमरीली फिश के जो ऑयल्स हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल्स दीज आर द एस्टर्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स विद केलेस्ट्रोल इनके अंदर असंतृप्त वसा होती है जिनको हाइड्रोजनेट करके हम संतृप्त वसा में परिवर्तित कर सकते हैं बट These these तो ज़्यादातर जितने भी ऑयल्स हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल ऑयल, ऑयल, सोयाबीन जो भी हमने प्लांट ऑयल्स डिस्कस किए, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल्स सिंपल लिपिड्स वैक्सीज आर ऑल्सो सिंपल लिपिड्स एंड आर एस्टर्स ऑफ फैटी विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स दीज आर ऑल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर बहुत तरह के इस तरह के मोम हैं जो लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का यौगिक हैं दे आर यूजली एनर्ट क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो संतृप्त वसा की बनी होती है संतृप्त नेचर की होती है इसलिए इनको भी सिम्पल लिपिड्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जैसा कि आप नाम से जानते हो कि इनका जो स्ट्रक्चर है इनकी जो संरचना है वो सरल नहीं है वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी डिफिकल्ट uh, है दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल नॉट ग्लिसरोल बट एल्कोहल हाउ एवर इन एडिशन टू दीज टू कॉम्पोनेंट्स दे कॉन्टेन सम अदर ग्रुप ऑल्सो सच एज फॉस्फेट ग्रुप और कार्बोहाइड्रेट मोइटी, जिनके अंदर फैटी एसिड्स और एल्कोहल के अलावा कोई और एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग भी की गई है डिपेंडिंग अपॉन द मोइटी अटैच्ड दीज ग्रुप कम्प्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिपिड्स लाइक फॉस्फोलिपिड जिनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो ग्लाइकोलिपिड्स जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी वो लिपो प्रोटीन्स जिनके अंदर कोई भी अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होंगे चाहे वो मेटेलो लिपिड्स हों किसी भी तरह की जो मोइटी प्रेजेंट होगी जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल एटम प्रेजेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की कैटेगरी में आएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस phospholipids these lipids contain a phosphate group in addition to fatty acids and glycerol they usually have nitrogen containing bases and other constituents also phospholipids that contain glycerol as the alcohol are known as glycerophospholipids alcohol glycerol glycerophospholipids those having sphingosine as the alcohol moiety are called sphingophospholipids so depending upon the constituents they vary in their structure composition and naming next is glycolipids as we have already discussed they contain a carbohydrate group and addition to fatty acids and alcohol the sugar group is usually galactose though sometimes they may contain glucose also to so, अधिकतर उनमें गैलेक्टोज शर्करा होती है परंतु कभी-कभी ग्लूकोस भी हो सकता है और जो अल्कोहल पार्ट है वो या तो स्फिंगोसाइन होगा या ग्लिसरॉल होगा then comes other complex lipids such as जिनके अंदर सल्फेट ग्रुप होगा सल्फोलिपिड्स जिनके अंदर कोई अमीनो एसिड होगा अमीनोलिपिड्स जिनके अंदर प्रोटीन्स होंगी वो लिपोप्रोटीन्स containing sulphur, amino and protein molecules respectively attached to fatty acids and alcohol. so then come to the third category which is derived lipids. this is also one of the major class of lipids. these are obtained from complex lipids by hydrolysis and include fatty acids सेचुरेटेड एज वेल एज अन फैटी एसिड्स ग्लिस्ट्रोल स्टीरॉइड्स और लिपिड स्टॉल्यूबल वाइटमिन्स फॉर एग्जाम्पल ए डी ई एंड के एंड प्रोस्टाग्लैंड प्रोस्टाग्लैंड आर द लिपिड्स विच आर रिलीज एट द प्लेस ऑफ इंजरी और इलनेस जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उसके भरावन के लिए जो लिपिड्स की लिपोप्रोटीन की जो मेमरेन जो लेयर बनती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंड सो ये एक तरह के ऐसे कंपाउंड्स हैं जो डिराइव्ड कैटेगरी में हैं दे आर मोर डिफिकल्ट देन दे हैव द मोर डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड दीज आर जर्नली फॉर्म बाय हाइड्रोलिस ऑफ उनकी वाटर के साथ ब्रेक डाउन से बनते हैं इसलिए इनको डिराइव लिपिड्स बोला जाता है एनअदर वे ऑफ लुकिंग एट डिराइव लिपिड इज दैट दीज आर दोज लिपिड्स विच डो नॉट बिलोंग टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड कैटेगरीज इनके अलावा जो भी होंगे वो डिराइव्ड लिपिड्स की श्रेणी में काउंट किए जाएंगे लिपिड्स और या फैट्स को बनाने के लिए जो आ, बिल्डिंग ब्लॉक है उसका नाम है फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे इस टॉपिक में बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ अनदर डिस्कशन बट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ देयर आर फोर मेन कैटेगरीज और पैरामीटर्स ऑन विच फैटी एसिड्स हैव बिन डिफरेंशिएटेड फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो मैंने अभी आपको बताया जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अनुसंतृप्त अवस्था में होंगे वो सैचुरेटेड हैं और जिनमें असंतृप्त अवस्था में, में होंगे वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इसी प्रकार जिनमें कार्बन की चेन बहुत छोटी होगी वो शॉर्ट चेन है जिनमें थोड़ी सी मीडियम लेवल की होगी वो मीडियम चेन की श्रेणी में आएंगे एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इन एडिशन टू दिस वन अनदर क्लासिफिकेशन इज असेंशियल एंड नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज हो सकते एंड दे आर असेंशियली रिक्वायर्ड इन अवर डाइट दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ असेंशियल फैटी एसिड एंड दीज इंक्लूड लिनोलीक एसिड लिनोलैनिक एसड ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स एंड ओमेगा नाइन फैटी एसड्स वाइल नॉन असेंशियल फैटी एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी में सिंथिसाइज हो सकते हैं बाय द रीऑर्गेनाइजेशन और री स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड्स और फैट्स जो हम इनटेक करते हैं डाइट में दिस कैन बी प्रोड्यूस हैंज नॉन असेंशियल अन अनिवार्य और अनिवार्य में फैटी एसिड्स वस ये अमल दैन थर्ड लास्ट कैटेगरी ट्रांस फैटी एसिड जिनका नाम आजकल आप बहुत सुनते हो बेसिकली जितने भी जंक फूड्स हैं फास्ट फूड्स हैं दे कॉन्टेन दीज फैटी एसिड्स दीज फैटी एसिड्स आर वेरी वेरी डेंजरस और हार्मुल फॉर आवर बॉडी सो नाओ लेट्स मूव टू द यूटिलिटी ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी बॉडी में लिपिड्स का क्या योगदान है या वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस कैटेगरी में सबसे पहला जो फंक्शन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ एनर्जी द मेजर फंक्शन ऑफ फैट इज़ टू सप्लाई एन एफिशियंट फ्यूल टू ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन जो ग्लूकोज पर डिपेंडेंट है जिसकी एनर्जी का सोर्स सिर्फ ग्लूकोज है इसलिए हमारी बॉडी में हमारी डाइट में कार्बोज का होना भी आवश्यक है परंतु फैट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोविजन ऑफ एनर्जी और हमने अभी डिस्कस किया था दैट दे गिव अस ट्वाइस एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स सेकेंड फंक्शन विच दे परफॉर्म इन अवर बॉडी इज थर्मल इंसुलेशन फैट्स हमारी बॉडी के स्किन के नीचे जो होते हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं हमें ठंड से बचाते हैं सो दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड थर्मल इंसुलेशन फॉर अवर बॉडी क्योंकि जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है वाइटल ऑर्गन प्रोटेक्शन अगर ये एडिपोस टिश्यू की फैटी लेयर पैडिंग की तरह नहीं होती है तो हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं लाइक हार्ट ब्रेन किडनी लिवर एट्सेट्रा उनको हम चोट से नहीं बचा सकते सो so, जो लोग बहुत पतले होते हैं उनकी बोन का फ्रैक्चर या उनके इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन कम मिलती है व्हेन दे हैपन व्हेन दे एंटर व्हेन दे एनकाउंटर एन एक्सीडेंट वाइल द पीपल हु हैव फैटी लेयर टिश्यू दे हैव मोर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द शॉक और इंजरी इफ दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फैट इन देयर बॉडी नेक्स्ट फंक्शन इज़ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन द फैट लेयर विच सराउंड्स द नर्व फाइबर्स हमारे जो स्नायु तंत्र हैं हमारे जो तंत्रिकाएं हैं उनके फाइबर्स जो हैं उनके बाहर जो फैट की लेयर होती है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देती है एंड हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज हमारे मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से मैसेजेज को टारगेट ऑर्गन तक लाने में फैटी लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टिश्यू मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द नेक्स्ट फंक्शन मेजर कॉन्स्टिटुंट ऑफ सेल मैमब्रेन स्ट्रक्चर विच इज़ वाइटल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ए क्रोस मैम्ब्रेन आपको पता है टिश्यूज़ की जो मैम्ब्रेन्स है हमारी कोशिकाओं की जो झिल्ली है वो एक लिपो प्रोटीन बाई लेयर है सो so, दो चीज़ों से मिलकर बनती है इसलिए लिपिड्स और प्रोटीन का होना हमारी बॉडी में बहुत आवश्यक है क्योंकि सभी उत्तुकों की और कोशिकाओं की जो बाहर की जो आ, कोशिका झिल्ली है ये उसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूवेंट है नेक्स्ट फंक्शन इंक्लूड सेल मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फैट एंड प्रोटीन कॉल लिपो प्रोटीन्स कैरी फैट इन टू द ब्लड टू ऑल द सेल्स ये जो कॉम्प्लेक्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन जो लिपो प्रोटीन्स हैं वो फैट को ब्लड से सभी सेल्स तक लेके जाते हैं इसलिए बहुत सारे चयापच्चे के जो कारें हैं जिनके लिए फ़ैट की आवश्यकता होती है वो इनकी प्रेजेंस में ही पॉसिबल है एज प्री सब्सटेंसेस सबस्टांसिज इज द नेक्स्ट बुलेट फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रोल एक्ट एज द प्री फॉर मैनी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वाल्व इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड टिश्यू मेंटेनेंस वसीय अमल तथा कोलेस्ट्रोल पूर्वगामी का रोल प्ले करते हैं हमारे बहुत सारी चयापचय की क्रियाओं के लिए और हमारे उत्तकों को मेंटेन करने के लिए फैट ऑल्सो एक्ट एज एन एम्फीपैथिक लिपिड्स सच एज फॉस्फोग्लिस बाइल एसिड्स एक्ट एज एमल्सिफायर इन अवर बॉडी जो फैट को हमारी बॉडी में पानी के साथ मिलाकर उसका पाएसीकरण करते हैं जिसकी वजह से फैट जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाता है इन एबसेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स और बाइल लिक्विड्स और बाइल एसिड्स फैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन अवर बॉडी नेक्स्ट फंक्शन इज हारमोनल एंड विटामिनोजेनिक फंक्शन मेनी ऑफ द हार्मोन्स एंड वाइटमिन आर ऑफ फैटी नेचर तो सिंथेसिस ऑफ दीज हारमोन्स रिक्वायर लिपिड्स बहुत सारे हार्मोन्स के लिए और वाइटमिनस के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी संरचना में फैट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिटेंट है फैट की एबसेंस में ये मॉलिक्यूल्स भी हमारी बॉडी में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्रियल यूज ऑफ़ लिपिड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लिपिड्स यूज होते हैं सबसे पहला रोल है लुप्रिकेशन का फैट्स जो है मशीनरी को घर्षण से बचाते हैं बहुत सारी मशीनों में हम तेल देते हैं पेट्रोल यूज़ करते हैं मोबाइल ऑयल यूज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी को घर्षण से बचाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फैशन इंडस्ट्री में लिपिड्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन इंडस्ट्री इन परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स एंड मेकिंग ऑफ सोप सोप्स आर आल्सो एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद ग्लेस्ट्रोल फूड फ्लेवर्स के लिए लिपिड्स इन फूड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर एंड अदर एट्रीब्यूट्स लाइक जूसीनेस एंड टेक्स्चर जब हम फूड के अंदर जूसीनेस uh, नरमी चाहते हैं या टेक्स्चर चाहते हैं बाहर से क्रिस्पी ब्राउन करना तो फ्लेवरिंग के लिए हम फैट को यूज करते हैं मोइन की तरह फ़ैट को यूज़ करते हैं टेक्सचर को हल्का करने के लिए फ्लफी करने के लिए हम यूज़ करते हैं देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि मेडिसिन मैनी ऑफ द ड्रग्स हैव लिपिड बेस गिवन औरली थ्रू इंजेक्शन और अप्लाइड ट्रॉपिकली लाइक सिंथेटिक स्टेरॉइड्स और ऑइंटमेंट्स एंड लोशन जितने भी बनाए जाते हैं उनमें फैटी बेस होता है दैन एब्बॉर्बेंट्स लिपिड्स आर यूज टू एब्जॉर्ब कलर ऑल्सो फॉर अ बेटर शाइनिंग वी यूज़ पॉलिश ऑन अवर शूज़ और अदर आर्टिकल्स जिनका लिपिड बेस होता है जैसे लकड़ी के ऊपर पॉलिश की जाती है फर्नीचर पर पॉलिश की जाती है कार के प्लास्टिक पार्ट्स को पॉलिश किया जाता है शूज़ को पॉलिश किया जाता है आजकल तो हेयर में भी सीरम लगाए जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट का कार्य करते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है

को इंडियन स्पाइसेस को हम उनमें भूनते हैं मसाला को तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं तो वहां पे फैट्स की यूटिलिटी है फैट्स हैव हाईएस्ट हीट एनर्जी डेंसिटी ऑफ नाइन किलो कैलोरीज पर ग्राम जो मॉडरेटली डिस्कस कर चुके हैं इसलिए ये मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है एडिपोज सेल्स आर एटी परसेंट लिपिड एंड ओनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ वाटर एंड प्रोटीन तो एटी परसेंट जो फैट है वो हमारा एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है फैट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स जो फैट्स के थ्रू ही हमारी डाइट में जा पाते हैं लिनोलिक एसिड विच इज ओमेगा एंड एसिड विच इज एन थ्री एसिड फैट्स प्रमोट द ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटमिन लाइक वाइटमिन ए डी ई एंड के की एब्जॉर्प्शन फैट्स के द्वारा ही हो पाती है फैट्स इनटेक इंश्योर सेटाइटी खाना खाने के बाद हमें तसल्ली की फीलिंग होती है सेटाइटी की फीलिंग होती है पेट के भरने की फीलिंग होती है और फैटी फूड खाने के बाद हमें देर से भूख लगती है बिकॉज लो फैट डाइट अगर हम खाते हैं तो हमें हाई फाइबर या फ्लूड लेना पड़ता है तब हमें तसल्ली होती है लेकिन अगर हम हाई फैट डाइट खाते हैं तो हमें बहुत जल्दी फीलिंग ऑफ फुलनेस फील होने लगती है फैट्स लॉन्ग प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेमरेज जो हमने डिस्कस किया लिपोप्रोटीन्स दे सर्व एज थर्मल इंसुलेटर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी कुछ डाइट्री फैट एंटी ऑक्सीडेंट का भी कार्य करते हैं जो हमें ऑयल uh, को रेंसिडिटी uh, से बचाते हैं और उसमें से ऑफ फ्लेवर गंदी स्मेल आने से बचाते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं सो लेट्स मूव ऑन टू नाउ द रिकमेंडेड डाइट्रियांज एज गिवन बाय ICMR's सी एम आर रिपोर्ट ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड आर डी फॉर इंडियंस इन टू थाउजेंड टेन यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो मैंने आपसे बात की थी विजिबल फ़ैट के बारे में यहाँ पर सिर्फ विजिबल फ़ैट की रिक्वायरमेंट दी गई है जो इनविजिबल फ़ैट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो इससे एक्स्ट्रा है तो हमें बहुत ध्यान से अपनी डाइट का चुनाव करना चाहिए ताकि हम ऐसा ना हो कि विजिबल फैट तो कम ले रहे हो परंतु इनविजिबल फैट इतना ज़्यादा ले रहे हो जिससे हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुँच रहा हो तो मैन के केस में इट रेंजेस अपॉन द एक्टिविटी लेवल ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी ग्राम्स पर डे विजिबल फैट वाइल फॉर वुमेन इट इज़ ट्वेंटी टू थर्टी डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़ ऑफिडेंट्री मॉडरेट एंड हैवी वर्कर एंड प्रेगनेंसी और लेक्टेशन में हैवी वर्कर से ज़्यादा नहीं है थर्टी ग्राम्स पर डे ही है इन्फेंट्स जो कि जीरो टू सिक्स मंथ्स के हैं दे डोंट रिक्वायर एनी विजिबल फैट बिकॉज दे हैव अनफ क्वानिटी दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन मदर्स मिल्क तो उनको अनफ फैट उसमें से मिल रहा होता है वाइल सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स इनफेंट है रिक्वायरमेंट ऑफ नाइनटीन ग्राम्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वन टू नाइन ईयर्स इट रेंजेस फ्रॉम ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ग्राम्स पर डे वाइल इन केस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ टेन टू सेवेंटीन ईयर द रेंज इज फ्रॉम थर्टी फाइव टू 50 grams per day because of the higher mobility ratio of uh, adolescents, young adolescents, and growing children as compared to aged people or adults. क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो फ़ैट को बर्न आउट कर पाते हैं इसलिए उनकी फ़ैट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है सेकेंड फैक्टर इज़ उनकी ग्रोइंग एज में न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड फैट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड फंक्शनल डिवेलपमेंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच देयर फैट रिक्वायरमेंट इज हायर नाउ वी आर लेफ्ट विद डेफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ फैट्स इन अवर बॉडी सो लेट्स डिस्कस दम वन बाय अगर मैं बात करूं इनएडिकुएट फैट इनटेक की तो इन एडिकुएट जो फैट इनटेक है उसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत ड्राईनेस और निशान पड़ जाते हैं आइज ऑल्सो गेट ड्राइड अप एंड यू गेट ड्राई हेयर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है बिकॉज़ फ़ैट जो है वो थर्मल इंसुलेटर होते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ देयर लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज देयर फीमेल्स के अंदर महावारी रुक जाती है या इरेगुलर हो जाती है एंड इनएबिलिटी टू फिल फुल बार बार फिलफुल बार बार भूख लगती रहती है सेटाइटी की फीलिंग नहीं होती इशूज़ रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल फुटीक आने लगता है और फैट सॉल्युबल वाइटमिनस की डेफिशिएंसी या कमी होने लगती है इन एडिशन टू दिस जो मेजर डेफिशेंसीज है लिपिड्स की हैं वो चार कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं अंडर वेट हो जाता है व्यक्ति वाइटमिन डेफिशंसीज हो जाती हैं स्किन चेंजेस आते हैं और हेयर लॉस आते हैं सो लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन क्योंकि हम सब जानते हैं वी रिक्वायर अनफ कैलरीज टू प्रोवाइड फुल वेट टूअर बॉडी जर्नली जो लोग फैट कम लेते हैं उनको मेल uh, न्यूट्रिशन हो जाता है एंड मेल न्यूट्रीशन मीन्स यूर बॉडी इज़ नॉट हैविंग अनफ वाइटमिन एंड मिनरल्स इन यूर फूड बिकॉज कैलोरी इंटेक एंड मेटाबॉलिक एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है वो वेट गेन के साथ बहुत रिलेटेड है कि आप कितना इंटेक करते हैं और कितना उसमें से आउट करते हैं इसीलिए वेन अ हाई फैट डाइट इज कंज्यूम्ड एंड दैट द हाई कैलोरी डेंसिटी ऑफ द हाई फैट डाइट प्लेज अ प्राइमरी रोल इन वेट गेन इफ यू आर टेकिंग अ वेरी वेरी लो जीरो कैलोरी डाइट तो आपका वेट लॉस होना uh, स्वाभाविक है एंड यू विल फॉल अंडर यू मे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर वेट चिल्ड्रन अंडर वेट भी एक कुपोषण का ही पार्ट है अत्यधिक पोषण भी गलत है ओवर न्यूट्रिशन ओवर वेट भी गलत है और अंडर वेट भी गलत है देर शुड बी अ बैलेंस्ड वेट अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड एज देन कम्स द वाइटमिन डेफिशियंसिस द फैट सॉल्यूबल वाइटाम ए डी ई और किए चार वाइटमिन जो वसा में घुलनशील हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फैट तो अगर डाइट में वसा नहीं लेंगे तो इन वाइटमिनस के स्रोत जो हमने डिस्कस किए थे जो वाइटमिनस के स्रोत हैं उनका भी अवशोषण नहीं हो पाएगा क्लासिकल डेफिशिय ऑफ दीज वाइटमिन विल बी द रिजल्ट लाइक वाइटमिन ए की डेफिशियसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस वाइटामिन डी के कारण एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया वाइटमिन ई की डेफिशिएंसी के कारण ऑक्सीडेटिव सेल स्ट्रेस ऑक्सीडेशन होगी एंटीऑक्सीडेंट का रोल नहीं हो पाएगा एंड वाइटामिन के के कारण हेमरेजेस हो सकती हैं डिलेड ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है नेक्स्ट इज स्किन चेंजेस रिसर्च हैज़ फाउंड दैट फैट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ अवर स्किन सेल्स एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द मॉइस्चर लेवल ऑफ आवर स्किन अगर आप इनफ डाइटरी फैट नहीं लेते हैं तो योर स्किन हेल्थ कैन बी अफेक्टेड एंड इट कैन लीड टू डरमेटिटीज आपकी स्किन के ऊपर दाने हो सकते हैं धब्बे पड़ सकते हैं दाग पड़ सकते हैं बहुत सारी खारिश और रैशेज हो सकते हैं डरमेटिटीज इज जर्नली अ टर्म विच इज़ यूज फॉर द इन्फेक्शन ऑफ स्किन इट इज़ कॉज बाय द डायट्री फैट डेफिशेंसी एंड जर्नली आपकी स्किन वहाँ से ड्राईली और ड्राई और स्केली हो जाएगी नेक्स्ट इज हेयर लॉस फैटी मॉलिक्यूल्स इन योर बॉडी कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंड जो हमने डिस्कस किए थे दे ऑल्सो प्रमोट हेयर ग्रोथ कंज्यूमिंग टू लिटल असेंशियल फैट असेंशियल फैटी एसिड अगर आप नहीं लेते दे कैन चेंज योर हेयर टेक्स्चर एंड रिसर्च सजेस्ट दैट इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस ऑन योर स्कैल्प और आईब्रोज तो आपकी खोपड़ी से और आईब्रोज में से फैट जो है वो बाल जो है वो ख़त्म होने लगेंगे

क्योंकि ईटिंग आउट इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से सेचूरेटेड फैटी एसिड्स का इंटेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक फ्लैश फूड्स का इंटेक एंड शुगर का इंटेक जो है वो बढ़ गया है जबकि होल सीरियल्स मिलेट्स एंड पल्सिस का इंटेक बेसिकली यूथ में से ख़त्म होता जा रहा है ड्यू टू विच वी कैन सफ़र फ्रॉम दी एक्सेसिव फैट डिसऑर्डर्स नेक्स्ट रीज़न इज ईटिंग आउट ईटिंग आउट बहुत बढ़ गया बिकॉज देयर इज़ लेस मेंबर्स इन द फैमिली मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर वर्किंग सो न्यूक्लियर फैमिलीज के ट्रेंड के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ विमेन वर्किंग एनफोर्समेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा ईटिंग आउट बढ़ गया है और फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप्स की आउटिंग्स होती हैं गेट टुगेदर्स होते हैं तो पीयर प्रेशर और सोशल प्रेशर के काश कारण एक्सेसिव फैट इंटेक है जिसकी वजह से कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं एंड वेनएवर वी ईट आउट वी जर्नली

मोर देन टेन परसेंट इंक्रीज हो जाता है सो वी फॉल इंटू द कैटेगरी ऑफ ओबीज एंड ओबिसिटी इज ऑल्सो ग्रेडिड इंटू डिफरेंट ग्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन द इनक्रीज इन द नंबर इन द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ द वेट गेन सो इफ इट इज़ टेन टू ट्वेंटी परसेंट इट इज ग्रेड वन ओबिसिटी इफ मोर देन ट्वेंटी परसेंट इट इज ग्रेट टू एंड इफ मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट इट इज ग्रेट थ्री ओबिसिटी विच इज द रूट कॉज ऑफ मैनी अदर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स सो डायटरी फैट इनटेकज लॉन्ग बीन बिलीव्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ ओबेसिटी बिकॉज इट इज द मोस्ट एनर्जी डेंस माइक्रो न्यूट्रियट वो माइक्रो मोलिक्यूल जो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है बिकॉज इट गिवस मोर देन डबल ऑफ द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स सो इट लीड्स टू ऑबेसिटी इन ओबेसिटी हमेशा हमारा क्या प्रिवेंशन होती है कटिंग डाउन द टोटल एनर्जी इंटेक और इंक्रीजिंग द आउटपुट या तो इनटेक कम की जाए या बर्न आउट रेट बढ़ा दिया जाए एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा दी जाएँ जिसकी वजह से बैलेंस मेंटेन हो पाए एंड यू कैन प्रिवेंट ओबेसिटी नेक्स्ट इज़ हार्ट डिजीजेज एज वी ऑल नो कि हमारी जो हार्ट की आर्टरीज एंड वेन्ज होती हैं वो बहुत पतली पतली धागे नुमा पाइपलाइंस की तरह होती हैं जब हम सेचूरेटेड फैट का इंटेक बढ़ा देते हैं सो देयर इज अ लेयर ऑफ फैट विच इज़ डिपोजिटेड In our arteries, which is called atherosclerosis, which leads to a number of heart related problems like heart attack or heart failure. Heart diseases have very strong links with fat and cholesterol intake. High dietary cholesterol increases the blood cholesterol. There are two types of cholesterol LDL, low density lipoproteins, and VLDL. LDL contains all the cholesterol present in VLDL, having therefore a higher cholesterol triacyl ratio rather than VLDL and LDL.

दो देर इज अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन द रोल ऑफ फैट इन कैंसर बट हाई फैट इनटेक इज इंडिकेटेड एज अ रिस्क फैक्टर टू ब्रेस्ट कैंसर एंड कॉलन कैंसर बिकॉज सैचुरेटेड फैट इनटेक जो है वो कैंसर इवेंट्स में बहुत ज्यादा पाया गया है एंड अब्यूज ऑयल इनटेक जो ज़्यादातर हम रीयूज ऑयल यूज करते हैं जो बाहर के खाने में होता है इवन यू ईट आउट द ऑयल इज़ रीयूज अगेन एंड अगेन बाय द स्ट्रीट फूड वेंडर और द रेस्ट्रॉ ऑनर और द कुक्स ऑफ द होटेल्स सो abused oil intake and oils with high peroxidative potential they produce free radicals in the body and which promotes the growth of carcinogenic cancer cells so this is the relationship between excessive fat intake and various diseases this was our topic wherein we have studied about the definition the food sources the functions the rda the deficiency and the excess of fats in our diet so students i hope uh, this topic is clear to you let's summarize or revise or, or and focus on few points by means of mcqs for the fats Vexes fall. First question is waxes fall in the category of dash lipids. Are they simple compound or derived lipids? As I have already told you in the slides, vexes are in the category of simple lipids. One gram of lipids provide dash kilocalories after digestion. The options are 4.1, 8.2, 9.2. The right answer is 9.2. Lard and tallow are dash sources of lipids. Are these animal, plant, or both? I discussed with you, lard is Pig fat and tallow is B for mutton fat. So these both are the animal sources of lipids. Which cholesterol is regarded as bad cholesterol? HDL, VLDL, or LDL? LDL is bad cholesterol. Deficiency of lipids leads to vitamin deficiencies. Is it true, false, or maybe? You are not sure. Yes, but the deficiency of lipids leads to the vitamin deficiencies of fat-soluble vitamins A, D, E, and K. Hence, true is the right answer. लिपिड्स कंटेनर डैश ग्रुप इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड एन एल्कोहल लिपिड्स के अंदर कौन सा ग्रुप होता है इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड एन एल्कोहल फॉस्फेट सल्फेट और कार्बोहाइड्रेट्स द क्वेश्चन इज फॉस्फोलिपिड्स। सो द राइट आंसर इज फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फैट्स आर कंस्टिक्स ऑफ बेसिक फूड्स एज एंड आर कंज्यूम्ड विदाउट बींग सेपरेटेड बेसिक कॉन्सिटेंस ऑफ बेसिक फूड्स में होता है एंड आर कंज्यूम्ड विदाउट बीइंग सेपरेटेड विजिबल फैट का इनविजिबल फैट का ट्रांस फैट का इनविजिबल फैट इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आर थ्री थ्री फूड फूड आइटम्स आइटम्स इन इन यू हैव टू नेम रिच लिपिड्स हाउ मच किलो कैलरीज आर जनरेटेड फ्रॉम वन ग्राम ऑफ फैट दिस यू नो वट डू यू मीन विजिबल एंड नॉन विजिबल फैट जो हमने अभी डिस्कस किया दृश्य वसा और अदृश्य वसा गिव द एग्जाम्पल्स क्लासीफाई द लिपिड गिविंग एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर नेम एनी थ्री फंक्शन ऑफ बॉडी फैट ये भी आप बता सकते हैं आपको कार्य बताने हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लिपिड्स आपको इंडस्ट्रीज में कहाँ का फैट यूज़ होता है उसके बारे में बताना है एन्यट द फंक्शन ऑफ़ लिपिड्स इन डिटेल वट आर सिम्पल लिपिड सरल लिपिड क्या हैं उनके दो एग्जाम्पल्स दें गिव सम लिपिड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स Uh, योगिक लिपिट्स के बारे में कुछ साधारण से उदाहरण दें हाउ इज हाई फैट इन कोलेस्ट्रॉल इनटेक रिलेटेड टू हार्ट डिजीज लिस्ट फाइव आइटम्स रिच इन कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक फैट का इंटेक और कोलेस्ट्रोल का इंटेक हृदय संबंधी रोगों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है अतः पांच ऐसे भोजन बताएं विच आर वेरी हाई इन कोलेस्ट्रोल व्हाट इज द रोल ऑफ हाई फैट इनटेक इन प्रमोटिंग कार्सिनोजेनेसिस कैंसर को ग्रोथ के लिए फैट इंटेक हाई फैट इंटेक का क्या रोल है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू नीड टू प्रिपेयर आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एक्सटेंड माई एक्नॉलेजमेंट एंड थैंक्स टू ई गोश पोर्टल ऑफ इग्नू ड्यू टू विच दिस प्रेजेंटेशन हैज़ बिन पॉसिबल द सजेस्टेड बुक्स आर बींगेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरियस प्रेजेंटेश शुभां जोशी बी श्रीलक्ष्मी एम एस बामजीज Uh, textbook of Human Nutrition and ICMR's RDA book. So, you can refer these books for further studies. So, in the end, I would like to say that you should say no to junk food and try to eat healthy fats and try to burn out more fats. I'll just end up with the quotation just try not to ingest a lot of fats and just try to eat the fats very, very carefully if you want to live a happy and healthy life. Thank you so much.